नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। सबसे पहले तो आपको बताना चाहूंगा, टेक महिंद्रा आईटी स्टॉक्स मतलब लीड करते हुए दिख रहे हैं मार्केट को। बाजार में एक अच्छा खासा मूव देखने को मिला है, तेजी आते हुए दिखी है। पहले टेक महिंद्रा की अपडेट तो कल ही खत्म हो गई थी, कह रहे इंट्राडे टारगेट्स थे, लेकिन पोजिशनल जो 1100 के टारगेट थे वो भी इतनी जल्दी अचीव होंगे मैंने सोचा नहीं था। सेकंड थिंग, परसों मैंने आपको ONGC रिकमेंड करा था, कल थोड़ा सा स्लाइडली नीचे आ गया नंबर्स के बाद, 148 पे समथिंग था एंड 146 पे आया। इनफैक्ट मैंने जब वीडियो में बोला था कि इनकेस अगर ये 144 के आसपास आता है तो हमें और लेना है, 138 का SL है आपको अगर याद हो तो, अभी 60% लेना है, इस तरीके से बोला था। तो 146 पे खरीदा तो और अच्छी बात है, 148 पे लिया था, 152 के टारगेट थे। आज ONGC भी कहीं ना कहीं मार्केट को लीड करता हुआ दिख रहा है, लगभग 152 के अभी ट्रेड कर रहा है, 153 के हाईज लगे हैं, तो वहां भी टारगेट डन है। कल मेरे पास कमेंट भी आया था, भाई ONGC लिया है आपके कहने से अभी लॉस हो रहा है क्या करें, तो मैंने कहा था होल्ड करें। इनफैक्ट व्यूअर्स ने भी कहा था रिप्लाई में कि भाई एक ही दिन हुआ है भी होल्ड कर लो, तो मतलब आप लोगों का सपोर्ट है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो दोनों टारगेट जन हुए, इनफैक्ट मार्केट में अच्छा मूव आ गया है, तो सारे स्टॉक्स ही चल गए। बट यहां मैं आईटी स्टॉक्स पे बात करने से पहले एक दो स्टॉक्स के बारे में आपको बताना चाहूंगा। कल मैंने आपको इंडिगो बोला था, डील के बारे में बताया, तो डील डन हो चुकी है और काफी ज्यादा बड़ी गिरावट भी देखने को मिली है इंडिगो के स्टॉक में। एंड इसके बाद क्या अभी और गिरावट हो सकती है, तो इसके लिए मैं आपसे कहूंगा अभी मतलब खरीदना मत यार, क्योंकि यहां ना अभी कुछ दिख नहीं रहा पॉजिटिव। कल एयर इंडिया जो मतलब बड़ा डील करते हुए दिख रही है, बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है, मार्केट शेयर वो गेन करेगी, वो इनके लिए नेगेटिव है। और अच्छी चीज जो देखी जाए कहीं ना कहीं कौन से स्टॉक्स के लिए, वो इन ONGC रिलायंस इन सब के लिए आज एक पॉजिटिव न्यूज भी आई, विंडफॉल गेन टैक्स पे जो कहीं विंडफॉल गेन टैक्स जो घटता हुआ दिखा है, तो ये एक अच्छी खबर है। अब आते हैं मार्केट आईटी स्टॉक्स पे, तो आईटी स्टॉक्स की बात करूं यहां पे बेहतरीन तेजी देखने को मिल रही है। यहां पे मेरे को अभी एक छोटे मूव के लिए स्टॉक समझ में आ रहा है, वो भी मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। बट पहले मैं आपको बता दूं, TCS सुपर शानदार मतलब मजा ही आ गया। आपके साथ हमेशा कहता आया हूं कि अगर आईटी स्टॉक्स ले रखा है और डर लग रहा है तो कोई फायदा नहीं है, आप टेंशन फ्री लेके बैठो यार, टेंशन फ्री। ये 13-13 लाख करोड़ का मार्केट कैप रखने वाली कंपनी, इनमें डरोगे तो कैसे काम चलेगा। 3000 पे भी वही कन्विक्शन था, 3560 पे भी वही कन्विक्शन है, 4000 पे भी वही कन्विक्शन होगा। फर्क इतना होगा, 3000 वाला जल्दी पैसा बना के बैठा है, बड़ा पैसा बना के बैठा है, 4000 वाला देर में बनाएगा, कम बनाएगा, लेकिन बनाएगा वो भी ठीक है। ये स्टॉक्स ऐसे हैं, आपने जिस लेवल पे खरीद लिया अच्छी बात है, लेकिन गिरावट में खरीदना आपका फर्ज है। अगर आपने गिरावट में नहीं लिया तो कोई फायदा ही नहीं है फिर तो। अब आप आज 3560 पे आने के बाद आपको अच्छा लग रहा है तो क्या फायदा, जो 3 महीने पहले आपको 3,3200 रुपए पे अच्छा नहीं लगा। तो मेरे हिसाब से कोई टेंशन नहीं है, यहां से ऊपर जाएगा डेफिनेटली जाएगा, हायर हाइज लगा रहा है। बट क्या मैं यहां पे सब खरीदूं, ये गलत जवाब है। आपको जितना कैपिटल लगाना है उसका आधे का, अभी 25% लगाने का समय है केवल, वो तो हमारे लिए एक ड्रीम लेवल थे, मैंने आपसे कहा था मतलब ये डोंट मिस अपॉर्चुनिटी है ठीक है। आप बात करें इंफोसिस की, तो 1620 ये स्टॉक जैसे ही निकालेगा ना दोस्तों, 1660 डायरेक्ट जाता हुआ दिखेगा, बड़ा वाला ब्रेकआउट आएगा और हाईर हाइज दिख रहे हैं चार्ट पे, 1614 का आज का भी हाई है। बट एक प्रॉब्लम जो दिख रही है ना पूरे आईटी में, वो दिख रही है वॉल्यूम, ये वॉल्यूम मिसिंग तेजी है, मतलब वॉल्यूम्स के साथ तेजी नहीं है। और एक और चीज बताना चाहूंगा, अभी ग्लोबल सिचुएशंस कुछ इतनी ज्यादा नहीं सुधरी है कि ये स्टॉक्स मतलब लीड करने लगे, बट ये डेफिनेटली श्योर है कि नैस्डेक इंडेक्स में जो तेजी है वो पूरे की पूरी कहीं ना कहीं आईटी स्टॉक्स पे आ गई है। और जब साल खत्म हो रहा था 31 दिसंबर को एंड 1 जनवरी को, मैंने आपके साथ यही व्यू शेयर करा था कि इतना बड़ा इंडेक्स अगर एक साल में 35% करेक्ट होता है और स्टार्टिंग ऑफ द ईयर सब लोग बियरिश है, तो वो पैसा बनाएगा आपका, वो बनाएगा ही बनाएगा ठीक है। तो वही होता हुआ दिखा, नेस्डेक 15% ऊपर आ गया, स्टॉक्स में भी बढ़िया रिकवरी हो गई। बट यहां से अभी हमें थोड़ा सा सावधानी भी रखनी है, मतलब ऐसा ना हो कि अभी मैं पोर्टफोलियो बिल्ड करने बैठ रहा हूं और अभी मैंने आईटी भर ली, तो ये मत कर देना आप। जब करना था मैंने आपके साथ कहा, अभी मेरा व्यू जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, बाकी आपका अपना हो सकता है। मेरा व्यू ये है कि ऑलमोस्ट 1-2 महीने में बढ़िया मूव बन गया है, नेस्डेक इंडेक्स में देख लो, आईटी में देख लो। ग्लोबल सिचुएशंस जो आप लोगों को खराब दिख रही थी, वॉस दिख रही थी, रिसेशन दिख रहा था, वो अभी भी कुछ वहां से सुधार नहीं है ठीक है। तो कहीं ना कहीं अब आपको हल्का सा, अगर किसी ने नीचे मेरे कहने से TCS 3000 पे लिया है,
विप्रो आपने सॉरी इन्फोसिस आपने नीचे लिया 1400 रुपए पे, तो हल्का प्रॉफिट बुक करना है आपको। मैंने आपके साथ 1600 1750 के दो टारगेट दिए थे, तो 1600 आ गया है, 1660 भी आ सकता है, तो वहां हल्का बुक करना है। तो ये कहीं ना कहीं मेरा इस समय व्यू बन रहा है, ठीक है। अब बात करें एक जो पिक दिख रही है, मैंने कल आपसे एम्फेसिस कहा था मिड कैप आईटी से, क्या शानदार मूव दिख रहा है, बहुत ही शानदार, पर बाय रिकमेंडेशन नहीं थी, सजेशन थी केवल, तो उस पर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। अभी यहां से जो एक मूव दिख रहा है थोड़ा स्लाइटली, मतलब कन्विक्शन पूरा नहीं है बट है, 50% से ज्यादा का है, तो जिसके पास है उसे मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आप बेचना मत, और जो अगर लेना चाहते हैं तो छोटी क्वांटिटी में ले सकते हैं छोटे स्टॉप लॉस के साथ। आईटी से स्टॉक का नाम है विप्रो। अगर विप्रो की बात करें तो 412 का लेवल कहीं ना कहीं ब्रेक करने की तैयारी है, चार्ट कहीं ना कहीं हायर हाई दिख रहा है, इंट्राडे की बात कर रहा हूं, साइडवेज हो गया है, फ्लैग पैटर्न बन रहा है, मुझे लगता है ये स्टॉक इंट्राडे में 415 रुपीज तक के लेवल्स आपको दिखाना चाहिए, 415 तक के लेवल दिखा सकता है ये स्टॉक, और इसके लिए अगर आप स्टॉप लॉस लेना चाहें तो आज का लो जो है 408.75, तो 408 का आप रख सकते हैं। आईटी में मूव अच्छा दिख रहा है, मुझे लगता है विप्रो अब कहीं ना कहीं यहाँ से थोड़ा सा कैच करना चाहिए रैली को, क्योंकि एक विप्रो को छोड़ दिया है बाकी सब में तेजी आ चुकी है, चाहे वो टेक महिंद्रा हो, एससीएल टेक तो ऑलमोस्ट पहले से ही भाग रहा है, इन्फोसिस टीसीएस तो लीड ही कर रहे हैं, तो ये है। अब बात करें अगर मार्केट को लेकर, तो कल मैंने आपके साथ व्यू शेयर करा था 18,000 की दो कॉल बेचनी है, 17,800 की एक खरीदनी है, उसमें अभी -20 पॉइंट चला गया है, ऐसा कुछ नहीं हुआ कि बर्बाद हो गए, वहां कुछ भी नहीं हुआ, बाजार में मेरा व्यू जो था वो अभी भी है, मुझे 18,200-250 ब्रेक होता नहीं दिख रहा, 200 के ऊपर हमें लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, अभी तक हम सेफ हैं, कोई इशू नहीं है, वो अभी जो इनिशियली आपको 5-10 पॉइंट नीचे दिख रहा है वो कोई इशू नहीं है, अभी भी यही कहूंगा टेंशन फ्री रहो, अगर दिखेगा 18,200 के ऊपर जाता तो निकालेंगे, अदरवाइज मुझे नहीं लगता। आप देख सकते हैं आप सुबह जो हाई लगाए ना आज का वो लगभग 9:44 पे लगा, उसके बाद कंटिन्यू लोअर लोज लग रहे हैं, और ये मार्केट आपको हो सकता है नीचे आते हुए भी दिखे। नेक्स्ट आपके साथ जरा थोड़ा सा डाउ फ्यूचर्स को भी देख लेते हैं कि डाउ फ्यूचर्स कैसे ट्रेड कर रहे हैं, थोड़ा सा और कहीं ना कहीं समझ में आएगा बाजार, तो डाउ फ्यूचर्स को भी मैं एक बार यहाँ पे ओपन करके देख लेता हूँ। डाउ फ्यूचर्स अच्छा ट्रेड कर रहे हैं, लगभग 22 पॉइंट्स अप है, लेट्स सी कैसा होता है। तो ये मेरी पहली वीडियो, होप आपको समझ में पसंद दोनों आई होगी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।